जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम कुछ अलग जगह पे हैं। हम जा रहे पूरी श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए रथ में, और उसके साथ साथ मेरे साथ मोहती जी भी है। ये बाबू भी देखो, हम अभी फिलहाल स्टेशन का रिटायरिंग ग्रीन पे है। रात में आए गए थे, अभी बहन लोग भी आएंगे, सब कोई मिल के जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगी। वीडियो का एंड तक बनी रहिएगा, देखिएगा क्या क्या सब हमको देखने मिलता है। सब कुछ आप लोग का साथ में शेयर करना चाहती हूँ। चलो दिखाती हूँ। मोदी जी आप जाएंगे कि रहेंगे यहीं? बाबू तो लग रहा रहेगा, क्योंकि बाबू जाएगा मध्य प्रदेश, हम जाएंगे पूरी। तो सोया है आराम से, उसका ट्रेन 4:30 थी, इसी कारण से वो लेट है। 6 बजे आएगी, इसीलिए वो शांति से सोया है। बाकी हम लोग का 4:30 तक आ जाएगी ट्रेन, इसलिए हम तैयार है। अभी मोदी जी का गले में रक्का फंसा है, इसीलिए वो थोड़ा धीमा है। ये रूम एसी है, बहुत बढ़िया रूम है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये दो कुर्सी दिए, 2-3 कुर्सी दिए हैं, एक टीपई है, उसके साथ साथ है ये शीशा भी, और ये गोदरेज है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेड का क्या हालत बनी है, सब फैला पड़ा, अभी सब सुधर जाएगी, हम यहीं से निकल जाएंगे। कल शाम से यहीं है हम लोग। देखिए अपना पारंपरिक स्टैचू, बड़ा प्यारा सा बनी है घर में, बहुत अच्छा लग रहा। हम लोग ब्रह्मपुर स्टेशन में हैं, अभी लाल काल से ब्रह्मपुर स्टेशन में है। ये हमारा ब्रह्मपुर स्टेशन है। देखिए अभी सुबह सुबह स्टेशन का परिसर ऐसी है। मेरा जीजा जी लोग आ गए हैं, ये बड़े जीजा जी हैं। हाँ देखो जीजा जी लोग मेरे कितना अच्छे से हाय हाय कर रहे। ये है मेरी दोनों बहन, वो दोनों जीजा जी का दोनों बहन, दो ठे हीरोइन है। बाकी हमारा ये बाबू है, उसका नींद खुला ही नहीं अच्छे से। खुल गया नींद? अच्छा, बाकी अभी हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुम अकेला हो जाना, हम सब ग्रुप हो गए। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से हम हो गए 3-6 जन ग्रुप, बाकी बाबू हो जाएगा अकेला। अभी अकेला अकेला जाएगा वो जबलपुर, हम जाएंगे पूरी। दिखाते हैं अपने मौज मस्ती। फ्रेंड्स देखिए, हम तो ट्रेन में चढ़ गए, बाकी स्लीपर में भी कितना भीड़ है, एक एक सीट में कितना लोग बैठे हैं, बिल्कुल भीड़ भीड़ नजर आ रही। मतलब स्लीपर जैसे नहीं लग रही, लग रही जैसे कि जनरल इतना भीड़। हाँ फ्रेंड्स देखिए, ये आमा है, महाराष्ट्र की जलगांव से आए हैं। पता नहीं इनको कौन ऐसे टिकट करके, जनरल टिकट करके चढ़ा दिए। उनको जाना है बागेश्वर धाम छत्रपुर, बाकी इनको ये उड़ीसा वाला छत्रपुर का ट्रेन में बैठ गए हैं। अभी देखो हमारा मोदी जी क्या क्या लाइन दिखा रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे। अभी आमा परेशान हो गए। फ्रेंड्स अभी इनका बागेश्वर धाम से बदल गया इरादा, जगन्नाथ धाम जाना है। अभी जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, है ना, जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे। चलो अच्छा है, जगह बुला लिए हैं। फिर अपना जलगांव, फिर इसके बाद आप अपना जलगांव चले जाएंगे? हाँ, अभी भगवान जो बनाएंगे वो। अच्छा, अभी इतने में ये फर्क हो गए। अभी उनके मन के बात मैं क्या जानूं, कौन भेज दिए है। देखिए इतने में भी हिम्मत है अम्मा का, कह रहे बालाजी महाराज भेजे हैं कि जगन्नाथ को दर्शन करना है। और कोई होता तो हिम्मत हार लेता, बाकी अम्मा बहुत अच्छे हैं।
बाकी ये भैया लोग भी हेल्प कर दिए सबने, उनको रास्ता बता दिए। फ्रेंड्स हमारा स्टेशन आ गई है अभी उतरने का। हम लोग सब तैयार है। यहाँ हम तो पुरी में पहुँच चुके हैं। ये भीड़ के कारण से वन बाई हो गई कि जो उतर रहे वो बाहर बाहर से निकलेंगे बाहर को, बाकी भरने वाला वो स्टेशन रहेगी उस साइड। वन बाई करिए कि बाहर बाहर से निकल। यह तो हमारा बुकिंग हो गई, अभी हम जाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ हम रूम लिए हैं, यहाँ भी भजन हो रही है। देखिए कितना भीड़ है। हम अभी आज नवमी दर्शन करने आए हैं और बहुत भीड़ है यहाँ। कुछ हाँ फ्रेंड्स देखिए, हम नवमी दर्शन के लिए आए थे गुंडीचा मंदिर। दर्शन के लिए अच्छे से प्रसाद भी सेवन किए, अभी बाहर निकले हैं। बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से ये तीन रखे हैं। कल को ये सब सज जाएंगे और थोड़ा सब पीछे लग जाएगी आज से। देखिए ये रथ की रस्सी है, ये बड़ी जरूरी काल के रथ यात्रा के लिए ये तैयारी हो रही है। ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे बेड़ी बनेगी। क्या मिली है, ये हमारा लंच है। ये हमारा लंच है फ्रेंड्स।